इंतजार तो लंबा है लेकिन नए साल के इंतजार में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। कुछ लोग तो अपने शहरों में ही नए साल का स्वागत करने की तैयारियां कर रहे हैं तो कुछ लोग बाकी जगहों का भी रुख कर रहे हैं जहां पर नए साल का स्वागत अलग अंदाज में किया जा सके। लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो दूर दराज के इलाकों का अगर रुख कर रहे हैं तो आलम यह है कि जनवरी के पहले हफ्ते तक दिल्ली से बाहर जाने वाले सभी जो उड़ानें हैं वो भरी हुई हैं और जाहिर सी बात है ट्रेवल कंपनियां और तमाम एयरलाइंस इस वक्त चांदी काट रही हैं। क्रिसमस के बाद लोग नए साल के स्वागत के लिए तैयार हो रहे हैं। नए साल का जश्न कहां मनाया जाए, ज्यादातर लोगों ने ये तय भी कर लिया है। कोई पहाड़ों का रुख कर रहा है तो कोई समंदर किनारे झूमने के मूड में है। ज्यादा से ज्यादा समय मौज मस्ती करते हुए बीते इसके लिए लोग रेल की बजाय हवाई यात्रा को तरजीह दे रहे हैं और जब हवाई किराए कम हो तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। यही वजह है कि सभी एयरलाइंस कंपनियों की फ्लाइट्स पहले से ही भरी हुई हैं। पहले तो लाइक आई एम गोइंग टू चेन्नई, देन वहां से पांडिचेरी, देन केरला, देन मुंबई, देन बैक टू गोवा। तो 30% गोवा। तो कब कर आपने बुकिंग, कब की ले रहे हैं? बुकिंग मैंने करीब एक महीना पहले कराई थी, लाइक ऑनलाइन कराई थी सारी, तो क्योंकि अभी तो बहुत फाइट रहेगी वहां पे जाएंगे तो। एक अनुमान के मुताबिक इस बार नए साल पर्यटन स्थलों का रुख करने वालों की तादाद में कई गुना इजाफा हुआ है। एयरलाइंस के साथ साथ होटलों में भी महीनों पहले ही बुकिंग हो चुकी है। गोवा में तो इस टाइम किसी भी कीमत पे होटल रूम अवेलेबल नहीं है और बहुत चार्टर्स भी आ रहे हैं, विदेश से आए हुए हैं और गोवा में तो किसी भी कीमत पे मतलब 50,000 रुपए रोज पे लोगों ने कमरे बुक करे हुए हैं और बुरी हालत है। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि नया साल कहाँ मनाया जाए तो अब इसका एक ही रास्ता बचा है। अब तो देखो जी आसपास घुमाए जहाँ गाड़ी जा सकती है 2-3-4 घंटे इधर उधर करे, नहीं तो फैमिली के साथ अपने घर में पार्टी करे और दूरदर्शन पे न्यू ईयर को वेलकम करे। ये जनाब कुछ भी कहे लेकिन पार्टी करने वाले कोई ना कोई ठिकाना जरूर ढूंढ लेते हैं, इसलिए कोशिश तो कीजिए कोई ना कोई जगह नए साल पर आपकी राह देख रही होगी। अगर आप नया साल इस बार अपने घर पर अपने परिवार के साथ मनाना चाहते हैं तो ठीक, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नए साल पर समंदर की सैर हो और पहाड़ों का नजारा हो और उसके लिए आपने बुकिंग्स भी नहीं कराई है तो फिर हो सकता है कि इस बार आपके लिए देर हो चुकी हो। इस समय दिल्ली से कैमरामैन गोपाल नेगी के साथ नरेंद्र सिंह। रुके यहाँ पर कुछ पलों के लिए, लौटेंगे तो बात होगी कुछ और अहम खबरों की, आप बने रहिए समय के साथ।